मंदिर में पहली भी आ जाते कई सोमवार का दिन ये अशो अतरो उठे हाईवे पे उठे उठे लगा ले अठिन देख ए अठिन नाड़ अटले नाड़ नाड़ अटले कई आ रहे हो कटाक तक जाए तू हाँ आगे है पुलिस वाला चाल जा तो आगे जा ये पुजारी कक्ष में पकड़ाई गई है और ये जा रही भक्त के जा रही है ये के साथ में मैं और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैं खाली मंदिर में पूजा के हिसाब से गई थी और भाभी जी का वेट कर रही थी और पुजारी जी ने कहा था कि आप कमरे में बैठो मैं भाभी जी को लेके आता हूँ तो वो लेके आए तो फिर पुजारी जी के साथ में कुछ लोग इकट्ठा करके उनके साथ भी मारपीट की और मेरे साथ जो मतलब वो एक था शख्स जिसे नाम बताया पहले उसने भी मेरे साथ मारपीट की और लातों घूसों से मुझे मारा और मेरे बाल नोचे और मेरे कपड़े खींचने की साजिश की सर आज मैं इसी साजिश से इसी काम से आई हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए बस सर रिपोर्ट मैंने अंदर दे दी है मैंने अभी और मैं वहाँ पेश होकर मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और मुझे बस और मेरे को आत्महत्या की इच्छा है और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा क्योंकि मुझे न्याय चाहिए और क्योंकि मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर सब अपमानित हो रहे हैं और मेरे पति का दो तीन दिन पूर्व कुछ सोशल मीडिया पर तो वीडियो वायरल हुआ था किसी मंदिर में किसी महिला को तथाकथित रूप से संदिग्ध अवस्था में पुजारी के साथ पाया उसमें कुछ ग्रामीण इकट्ठा होकर गए और वहां उनके आपस में कोई लड़ाई झगड़े की सी बात हुई और उसके बाद थाने में शायद रिपोर्ट दी गई पुजारी के विरुद्ध उसके विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई। जहां तक महिला का प्रश्न है महिला के सोशल मीडिया पे वीडियो में कुछ लोगों द्वारा बदसलूकी की गई महिला ने थाने पे या वहां के DYSP गंगराल को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। आज वो महिला SP साहब के समक्ष पेश हुई थी जिसमें उसने रिपोर्ट श्रीमान SP साहब को पेश की तो रिपोर्ट के जवसा भी मजबूत है और उनकी जो की दरख्वास्त है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई के लिए SP साहब ने आदेश कर दिया।